विदाउट लहसुन प्याज और टमाटर की भी सब्जी बनती है, और वो भी ग्रेवी बना के। जी हाँ, बिना प्याज के, बिना लहसुन के, और ना ही इसमें टमाटर के बिना। और ऐसी ग्रेवी बनेगी कि आप चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो आज हम वीडियो शुरू करते हैं। ये मेरे पास काले चने हैं, काले चने उबले हुए हैं, आलू भी उबले हुए हैं। मैं थोड़ी सी सब्जी बना रही हूँ, क्योंकि आज है ना मेरा संतोषी माँ का व्रत है, तो इसमें चने की सब्जी खाते हैं, ठीक है ना। तो क्या किया है मैंने, इस मिक्सर जार में ना चने को और हरे धनिया को हरी मिर्ची डाल के अच्छा सा पीस लिया है बिना पानी के। तो इसका हमें पेस्ट बना लेना है, और इस सब्जी को फटाफट से बनाते हैं, फटाफट से ये बन जाती है। तो तेल डाला है, तेल में जीरा छिटकाया है, और इसमें जो चना, हरे धनिया और हरी मिर्ची का जो पेस्ट बनाया था उसको हम डाल देंगे। और इस पेस्ट में ना हमें बिल्कुल भी क्या नहीं डालना है, पानी, क्योंकि हरे धनिया में इतना पानी होता है कि वो पेस्ट अपने आप बन जाता है। अब इसको मैं हल्का सा भून लूँगी चने को। तो हमारी जो ग्रेवी बनने वाली है वो इसी से बनने वाली है। थोड़ा सा डाला मैंने, आधी चम्मच के करीब डाली इसमें हल्दी पाउडर, और मेरी चम्मच का साइज़ थोड़ा छोटा है इसीलिए मैंने एक चम्मच डाला है इसमें मिर्ची पाउडर, और दो चम्मच भर के डाला है धनिया पाउडर, और थोड़ी सी मैंने कुटी हुई जो लाल मिर्ची होती है उसका कलर थोड़ा अच्छा है इसीलिए मैं इसमें थोड़ी सी लाल मिर्ची और डाल दी कलर के लिए। आप चाहे तो इसमें काश्मीरी लाल मिर्ची का यूज़ भी कर सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद के अकॉर्डिंग, क्योंकि मेरी सब्जी की क्वांटिटी बहुत कम है इसलिए मैंने मसाले बहुत ही कम डाले, क्योंकि आज मेरा संतोषी माँ का व्रत था इसीलिए मैं ये सब्जी को बना रही हूँ। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ। तो इसमें मैंने आधा कटोरी पानी डाल दिया ताकि ये ना हमारा मसाला अच्छा से भुन जाए। आज क्या है, मुझे ना 3-4 दिन से मेरी तबीयत भी सही नहीं थी, और मेरा गला भी बहुत भारी हो रहा है, क्योंकि बहुत भयंकर तरीके से मुझे सर्दी भी हो गई है और मेरा गला बहुत बैठ गया है। अब जो हमने जो चने थे, थोड़े से चने मैंने मिक्सर में पीस लिए थे, और थोड़े हमने क्या किया था, बचा लिए थे, क्योंकि काले चने की सब्ज़ी बन रही ना, इसीलिए आलू को हल्का सा तोड़ तोड़ के इसमें डाल दिया है। तो चने और आलू हमने इसमें डाल दिए, और आपको है ना चने थोड़े ही पीसने हैं, ज़्यादा चने नहीं पीसने हैं, बस इनको है ना मसाले में अच्छा लपेट देंगे। अब इसमें हम डालेंगे पानी। अब इसमें हमें पानी अपने हिसाब से ही रखना है, क्योंकि है ना इसमें जो ग्रेवी है ना वो पानी को एब्जॉर्ब करेगी, और जो ग्रेवी वो है चने की, तो चने आप जानते हो चना पानी बहुत पीता है। तो मैंने इसमें ना 1.5 कटोरी पानी का यूज़ किया है, फुल भर के, 1 कटोरी भर के, फिर 1 कटोरी आधी, यानी 1.5 कटोरी का पानी। तो बस इसको है ना हम अच्छे से पकाएंगे। इसमें कोई भी मसाला नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला, ना तो टमाटर डालूंगी, क्योंकि संतोषी माता के दिन है ना, आज शुक्रवार भी है, संतोषी माता का व्रत है, तो मैं इसमें ना टमाटर, खटियाई और नींबू का यूज़ बिल्कुल नहीं करती। तो सभी जानते हैं संतोषी माँ के व्रत में खटाई नहीं खाते, इसीलिए मैंने आज इसी सब्जी बनाई है। तो बस इसको ना अच्छे से खदका लेते हैं, और है ना ये सब्जी बहुत जल्दी बन जाती है। तो देख रहे हो ये सब्जी में अच्छा सा खोल भी आ गया है, और ये सब्जी अपने आप गाढ़ी होती जाएगी। और तो और ये सब्जी क्या होती है, जैसे जितनी ठंडी होती जाती है उतनी ही ये गाढ़ी होती जाती है, और ये सब्जी बहुत ही अच्छी लगती है सच में। जो भी संतोषी माता का व्रत रखता हो तो एक बार मेरे कहने से इस तरीके की सब्जी को जरूर बनाना। तो बस मेरी सब्जी फाइनली बन के तैयार हो चली, क्योंकि साइड से है ना इसमें ना बहुत अच्छी सी तरी आने लगी है, तो मतलब यही पहचान होती है सब्जी बनाने की, क्योंकि सब्जी में तरी आ जाए तो समझना ये सब्जी पक गई। वरना इसको ज़्यादा और भी पकाएंगे तो बहुत गाढ़ी हो जाएगी, क्योंकि ये सब्जी है ना रख के भी गाढ़ी होनी है, तो इसीलिए इसको आप है ना कम से कम ही पकाएं, वो तो फटाफट से पक जाती है। तो बस गैस बंद करती हो, इसको लेते हम दूसरे बर्तन में, तो इसको हम ले लेंगे दूसरे बर्तन में। देख रहे हो कितनी गाढ़ी सब्जी हो गई है। तो इसको मैं ना धीरे धीरे करके डाल रही हूँ, आपको बता इसकी थिकनेस कितनी सुंदर लग रही है ना, और ये दिख भी रहा है कि हाँ वास्तव में सब्जी बहुत अच्छी बनी। तो आप व्रत के दिन, संतोषी माता के व्रत के दिन इसको वैसे ही बना के खा सकते हैं। अगर घर में कोई सब्जी ना हो तो आप काले चने की सब्जी बना के जरूर खाएँ, और मुझको भी बताएं ये कैसी बनी है। सिर्फ उसमें कोई भी मसाले नहीं डलते हैं, कुछ भी नहीं डलता है, बहुत सब्जी अच्छी बनती है। तो बस उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद ज़रूर आएगा, तो प्लीज़ इसको लाइक करना। जिन्हें मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जो नए हैं वो देखते हैं मेरी वीडियो को, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरे वीडियो को फुल देखें और मुझे सपोर्ट भी करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन घंटी आपके पास में है मोबाइल के अंदर, उसको फटाफट से प्रेस करें, आने वाला नया वीडियो आपके पास बहुत जल्दी आएगा, ठीक है ना। तो भाई आज ही संतोषी माँ के व्रत के लिए मैंने ये वाला खाना बनाया है,
खाना बनाया संतोषी माता के व्रत के लिए, तो ठीक है आप भी जो भी कोई व्रत को रहता हो तो जरूर इस सब्जी को बनाना, और नहीं भी रहता हो वो भी बनाना, और ये सब्जी बहुत अच्छी बनती है, ना कोई ताम झाम ना कुछ भी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना राधे राधे।